हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल फैशन नेक्स्ट। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा 15 टाइप के फैब्रिक के बारे में जो कि हम ज्यादातर अपनी ड्रेस में यूज करते हैं। अगर आपको अलग अलग टाइप के फैब्रिक के बारे में जानना है तो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। वैसे तो फैब्रिक ओनली 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 नेचुरल फैब्रिक, मतलब नेचुरल चीजों से बनने वाला फैब्रिक। नंबर 2 सिंथेटिक, मतलब पूरी तरह आर्टिफिशियल चीजों से बनने वाला फैब्रिक। लेकिन आज हम आपको दोनों टाइप के 15 अलग अलग फैब्रिक के बारे में बताएंगे। नंबर 1 कॉटन, सबसे ज्यादा कॉमन फैब्रिक कॉटन होता है, लेकिन इसमें भी टाइप टाइप के फैब्रिक मिक्स करके यूज किया जाता है। अगर देखा जाए तो प्योर कॉटन मैनेज करना मुश्किल होता है, लेकिन कॉटन फैब्रिक स्किन के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। नंबर 2 पॉलिस्टर, ये काफी रफ एंड टफ फैब्रिक होता है और इसे डाई किया जाए तो इससे रंग आसानी से नहीं निकलता। ये हाथ से भी धोया जा सकता है और ये सस्ता भी होता है। नंबर 3 सिल्क, सिल्क वैसे तो नेचुरल फैब्रिक होता है, लेकिन इसे कई तरह के अलग अलग फैब्रिक के साथ मिक्स किया जाता है। ये काफी हद तक गर्म फैब्रिक होता है और इसमें चमक भी होती है। नंबर 4 डेनिम, डेनिम असल में कॉटन से बुनकर बनाया गया फैब्रिक है जो अपने टेक्सचर के लिए जाना जाता है। इस फैब्रिक से जीन्स, जैकेट, बैग आदि बनाए जाते हैं। नंबर 5 जॉर्जेट, जॉर्जेट फैब्रिक गर्मी के मौसम में खूब पसंद किया जाता है। गर्मी में सुकून देने के साथ ही स्टाइलिश भी दिखता है। जॉर्जेट ड्रेपिंग और फील में शिफॉन से काफी मिलता जुलता फैब्रिक है। नंबर 6 लिनन, लिनन हवादार और हल्के फैब्रिक का होता है। लिनन को पार्टी वियर के लिए बहुत पसंद किया जा रहा है। कॉटन से ज्यादा लोग लिनन फैब्रिक के कपड़ों को पहनना ज्यादा पसंद कर रहे हैं और इसे अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक माना जाता है। नंबर 7 सैटिन, ये बनता तो सिल्क, वूल और कॉटन से है, लेकिन इसमें मिक्स फैब्रिक यूज होता है। कई लोगों को सैटिन और सिल्क में डिफरेंट समझने में दिक्कत होती है, लेकिन सैटिन नेचुरल नहीं होता, पॉलिस्टर मिक्स भी हो सकता है। नंबर 8 रेयान, रेयान को विस्कोस भी कहा जाता है। ये नेचुरल और सिंथेटिक फैब्रिक का मिक्सचर होता है। ये फैब्रिक असल में लकड़ी और केमिकल के प्रोसेस से बनता है। नंबर 9 ऑर्गेंजा, वैसे तो ऑर्गेंजा सिल्क के धागों से बना हुआ फैब्रिक है, लेकिन इसे नायलॉन और पॉलिस्टर मिक्स करके भी बनाया जाता है। ऑर्गेंजा फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट होता है। ऑर्गेंजा जितना सॉफ्ट होता है उतना ही बेहतर रहता है। नंबर 10 शिफॉन, ये बहुत ही लाइट वेट फैब्रिक होता है और इससे स्कार्फ, स्कर्ट, साड़ी, ड्रेस आदि बहुत सारी ड्रेस तैयार की जाती। शिफॉन प्रिंटेड और प्लेन दोनों टाइप का होता है। नंबर 11 वेलवेट, ये एक शाइनी फैब्रिक होता है और बहुत सॉफ्ट होता है जो आपकी ड्रेस को एक शाही लुक देता है। ड्रेस के अलावा इसे पर्दे, सोफे के गद्दे और लिहाफ के खोल के लिए भी यूज किया जाता है। नंबर 12 ब्रोकेड, ब्रोकेड बुना हुआ फैब्रिक होता है जिसमें बुनाई के लिए कई सारे कलरफुल धागों जैसे सिल्क, कॉटन, पॉलिस्टर के अलावा गोल्ड और सिल्वर धागों का भी यूज किया जाता है। इस फैब्रिक को रॉयल लुक के लिए कैरी किया जाता है। नंबर 13 क्रेप, ये एक अलग तरह का बुना हुआ फैब्रिक है जिसमें पहले से ही खुरदुरा सरफेस होता है। ये फैब्रिक थोड़ा मोटा और इसे बनाने के लिए धागों को बहुत मोड़ा जाता है, तभी ये खुरदुरा हो जाता है। नंबर 14 मसलिन, ये कॉटन से तैयार होने वाला फैब्रिक है जिसे मलमल भी कहा जाता है। ये काफी लाइट वेट होता है। फैशन डिजाइनर इसे टेस्ट ड्रेस के लिए यूज करते हैं और इसमें रिंकल भी बहुत ज्यादा आते हैं। नंबर 15 वूल, ये काफी हेरी फैब्रिक होता है और आपको गर्म भी रखता है। वूल में भी कई तरह के मिक्स फैब्रिक आने लगे हैं, लेकिन प्योर वूल हेरी होता है। सर्दी के मौसम में इसे ज्यादा यूज किया जाता है। उम्मीद है कि आपको इन सब फैब्रिक के बारे में थोड़ी जानकारी मिल गई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।